जो भी सिनेरियो जैसे हम देख रहे हैं इसको देखते हुए हमारे सभी जो टाउन्स हैं और हमारे जो बॉर्डर एरिया इसमें BSF CRPF सभी को हम आपस में लाइजन कर रहे हैं, चैलेंजिंग है उनको मीट किया है और हम सब एक ही पेज पर हैं और सिविलियन के साथ भी हमारा जो सिटीजन है सबसे मीटिंग हो रही है बॉर्डर एरिया में जितने सभी हमारे SHO SDPO मीटिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कहीं भी अगर कोई सस्पेक्टेड पर्सन दिखता है कोई ऐसी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी है तो तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमारे नंबर भी सभी शेयर किए जा रहे हैं। अभी फेस्टिवल सीजन है तो लोगों से भी हम ये कहेंगे कोई लावारिस कोई आर्टिकल या किसी किसी भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई सस्पेक्ट हो या कोई गाड़ी बड़ी देर से कहीं खड़ी है तो हमें इन्फॉर्मेशन दें। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हम सख्ती से डील कर रहे हैं, कहीं कोई रूमर्स या कोई एंटी नेशनल कोई ऐसे कर रहे तो उसके साथ सख्ती से डील किया जाए, सभी निर्देश इसमें दिए गए। अभी हमारे DGP साहब नलिन पवार साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि यहाँ जहाँ भी हमारे सेफ्टी प्लेसेज हैं लाइट इंस्टॉलेशन है उनकी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाए, आर्मी और CRP की जो क्योरिटीज़ हैं उनको मोबिलाइज किया जाए और किसी किस्म का कोई चैलेंज है उसको काउंटर किया जाए और हमारी जो J&K पुलिस है किसी भी किस्म के अटैक या कहीं अगर फिदाइन अटैक होता है उसको मीट करने के लिए हम चैलेंज तैयार हैं। सर बॉर्डर इलाके का भी दौरा किया गया, बॉर्डर गेट को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है? देखिए बॉर्डर पे BSF और पुलिस का जो रेगुलर मीटिंग्स हो रही है विलेजेस में जहाँ जहाँ भी हमारे जो VDGs हैं उनको भी अलर्ट किया गया है, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कहीं भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो तुरंत हमें संपर्क करें और हमारी जो SOG टीम है वो तमाम सभी लोगों से संपर्क बनाए हुए और पूरी तैयारी से कहीं भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हमें दिखेगी कोई ग्रुप दिखता है जहाँ लोग जो है लोग भी काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिलावर में हमें मूवमेंट दिखी तो हमारी टीमें आलमगीर आर्मी तो एरिया कॉर्नर करके हमने सर्च किया और वहाँ हमारी जो है ऑपरेशन चले। इंटरस्टेट बॉर्डर को किस तरह से दिखा जा रहा है क्योंकि काफी छोटे छोटे ऐसे माइनर पॉइंट हैं जहाँ से रूट जो एस्केप करके फटाफट जो है निकला जा सकता है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी ये दो स्टेट हिमाचल और पंजाब के साथ एडजॉइनिंग है, पंजाब से जितनी हमारे नाते हैं वहाँ पर हमारी पुलिस पोस्टें हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं, वहाँ भी चेकिंग चल रही है कोई भी गाड़ी या चेक किए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस के साथ भी हमारा कंटिन्यू लाइजन बना है, वहाँ की जो BSF है उनके साथ भी हमारा कंटिन्यूस संपर्क में है तो इन्फॉर्मेशन हमारी जो है शेयरिंग हो रही है, कोई भी सिचुएशन बनती है तो हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में लेबर्स को टारगेट किया गया कश्मीर घाटी में, यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा देखते हो, किस तरह से अलर्ट जो है यहाँ पे किया जाए? हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं सबके साथ हमारी मीटिंग हो गई है और सभी को सुरक्षा का हम एश्योरेंस दे रहे हैं, सभी के साथ हमारे नंबर शेयर हो चुके हैं, हम जो कैंप्स हैं वहाँ भी विजिट कर रहे हैं तो मुस्तैदी से हमारी पुलिस अलर्ट है, हर जगह सबसे मिलकर हम एक सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं तो सभी को एश्योर करेंगे कि सेफ एंड सिक्योर है। बहुत बहुत मुबारकबाद है कठुआ पुलिस की तरफ से और आज जो है हमारी पूरी टीम इनफैक्ट DIG साहब भी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने मार्केट और कठुआ का पूरा वो लिया, एक पूरा राउंड लिया जिसमें वो बड़े खुश थे कि जिस हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ हुए हैं उससे हम लोग सभी बड़ा मोटिवेटेड हैं और जो हमारी पूरी टीम है सारी SHO डिप्टी SP SOG CRPF BSF हम सभी बाहर हैं और इस दिवाली हमारा यही उद्देश्य है कि दिवाली सबके लिए कुशल मंगल और पीसफुल निकले और इसमें और हमारी तरफ से कुछ शुभकामनाएं। सर बाजार के लोगों से भी बातचीत की, दुकानदारों से भी बातचीत की गई है, क्या क्या समस्या उन्होंने बताई है? तो दुकानदारों ने अभी तो कोई समस्या नहीं बताई है क्योंकि भाई चोरी और नशे के रिलेटेड तो वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद ही हम लोगों ने अगले ही दिन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइम रिव्यू मीटिंग ली, उसमें जो जो बातें बताई थी थाना दिवस में वो सब हमने अपने SHO और DSPs और SP साहिबान के सामने रखी तो उस पर हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे और FIR रजिस्ट्रेशन सबके लिए जो भी जिसकी भी घर में चोरी है कोई ऐसी कंप्लेंट है उसमें तुरंत FIR रजिस्ट्रेशन होगी
और उसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन चली जाएगी। पहाड़ी इलाकों में हंट की गतिविधियाँ देखी गई पिछले दिनों, तो पिछले करीब 3-4 महीने में यहाँ पे दो बढ़िया ऑपरेशन हुए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को किल किया गया है। हमारी जो है ऊपर जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर हमारी कड़ी नज़र है, और मौका मिलते ही हम सक्सेसफुल एनकाउंटर करते हैं। इसमें हमें आर्मी और सीआरपीएफ का पूरा साथ है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले दिन पीसफुल जाएं और हम लोगों के सक्सेसफुल ऑपरेशन चलते रहें। सर्दियों का जो सीजन जो आने वाला है, बर्फबारी होगी और ऊपर इलाकों में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है कि आतंकी जो है वो निचले इलाकों में रुक कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग तैयार हैं और हमारी जो टीम है वो भी एकदम तैयार है। हमारे लड़के बढ़िया ट्रेनिंग वगैरह लेके आए हैं और आर्मी के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग अच्छा काम करेंगे पहाड़ी इलाकों में। लोगों से क्या अपील रहेगी त्योहारी सीजन? लोगों से हमारी अपील ये है कि पुलिस का और जो अपनी सोसाइटी का साथ दें। अगर उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें मदद मिल सकती है, जिससे उनकी सोसाइटी सेफ रह सकती है, ज़रूर आएगी, ज़रूर हमारे सामने लेके आए, और हम लोग जो है उसमें उनको रिवॉर्ड और हर तरह का इंसेंटिव देते हैं। तो मेरी आप लोगों के थ्रू यही अपील है कि हमारे पास आएँ और इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें।